सच न्यूज नेटवर्क के साथ और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे देश और प्रदेश के आज के मुख्य समाचार, उसके बाद हम आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर की दिनभर की खबरें यानी दिनभर के टॉप 10 हेडलाइंस। लेकिन दर्शकों, ये सब जानने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देते चले, आप रात के 9:30 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं और जान सकते हैं जम्मू कश्मीर के टॉप 10 हाइलाइट्स। इसी के साथ साथ एक रिक्वेस्ट है, आप हमारी वीडियो को जरूर आगे शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अन्य लोग भी अपडेटेड रह सके। और अब आइए जान लेते हैं क्या है देश का पहला मुख्य समाचार। शर्तों के साथ मंजूर नहीं सरकार के प्रस्ताव, किसान मोर्चा ने फिर मांगी सफाई। इसके साथ दूसरा समाचार, कैटरीना कैफ और विकी कौशल के वेडिंग वेन्यू में सब सिक्योरिटी का पहरा। अगला समाचार, ओमिक्रॉन से संक्रमित बेंगलुरु का डॉक्टर रिकवरी के बाद फिर हुआ कोरोना पॉजिटिव। बता दें, पाकिस्तान की दिल दिलाने वाली रिपोर्ट सामने आई, भूख से तड़प रही है 37% आबादी। चलिए इन समाचारों को थोड़ा विस्तार से सुन लेते हैं। समाचार, कृषि कानूनों की वापसी के बाद आखिर किसान अपना आंदोलन खत्म कब करेंगे, इस बात का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। संयुक्त किसान मोर्चा अपना MSP को कानूनी मान्यता देने की मांग पर अड़ चुका है और आंदोलन खत्म करने की तैयार नहीं। और एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी मुंबई से दूर राजस्थान में टाइट सिक्योरिटी के बीच होगी और दोनों 9 दिसम्बर को सिक्स सेंस फोर्ट बड़वारा के साथ फेरे लेंगे। अगला अपडेट, बेंगलुरु में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित डॉक्टर रिकवरी के बाद फिर से कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। बेंगलुरु में रहने वाले ये डॉक्टर भारत में ओमिक्रॉन के शुरुआती 2 केसेस में से एक था। जानकारी, पाकिस्तान के आर्थिक हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। अब एक नई रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की करीब 37% आबादी को सही से खाना मुहैया नहीं हो पा रहा है और लोग हर रोज अपनी आम जरूरत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चलिए आइए एक तरफ नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिनभर की खबरों पर यानी दिनभर के टॉप 10 हेडलाइंस जो हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं। आपके लिए जम्मू कश्मीर से दिन की पहली बड़ी खबर ये। जम्मू में स्थित सेल्फी पॉइंट आई लव यू जम्मू को कुछ युवकों ने तोड़ दिया और ये शहर का पहला सेल्फी पॉइंट है। वारदात CCTV में कैद हो चुकी है और पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इसी के साथ दूसरी खबर, सरकारी स्कूलों के 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को नीट NJEE मेंस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अब सरकार देगी फ्री कोचिंग। अगली खबर, नगर निगम के आय बढ़ाने के लिए प्रस्तावों पर लिए गए फैसले अभी भी ठंडे बस्ते में ही है। वार्ड्स में अभी तक रास्ते नालियों की सफाई के लिए 10 लाख रुपए प्रति वार्ड जारी हुआ। अगली खबर, पुंछ जिले से आ रही है जहां पर अस्पताल में नवजात शिशु देखभाल यूनिट में नई टेक्निक से बच्चों का इलाज हो रहा है। इस टेक्निक से इलाज के चलते रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा। जम्मू कश्मीर की 5वीं खबर, जम्मू कश्मीर के फुटबॉल खिलाड़ी प्रदेश टीम की बजाय क्लब्स के लिए खेलने की प्राथमिकता दे रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण वित्तीय पैकेज कम होना और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। अगली खबर, लद्दाख में रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति में तैनात कर्मचारियों की जम्मू कश्मीर में वापसी, निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही मान्य होगी। जम्मू कश्मीर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया। आज के अगले अपडेट देते चले, जम्मू कश्मीर सरकार ने मंगलवार को 24 दिसंबर से जम्मू संभाग के समर जोन क्षेत्रों में पढ़ने वाले स्कूलों के लिए विंटर वेकेशन की घोषणा की। आज की अहम खबर, सरकारी विभागों में फजूल खर्ची पर लगाम लगाने के लिए उपराज्यपाल प्रशासन ने सोमवार को बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सभी सरकारी विभागों के साथ साथ सभी यूनिट्स के अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, कार्यशाला करने से कम खर्च किया जाए। इनकी आखिरी खबर, सब्जियों के दाम में आई नरमी, कीमतें सामान्य होने से लोगों को मिली बड़ी राहत। दर्शकों, आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। ये था आपके समक्ष जम्मू कश्मीर की दिन भर की खबरें, दिन भर के टॉप 10 हेडलाइंस जो आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं। ऐसे ही और भी बड़े अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप का लिंक आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को जरूर लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि।